सुप्रभात, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10, बादल आए। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 3 में पाठ 10 बादल आए की एक बार फिर से दोहराई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब बादल बरसते हैं तभी खेतों में अन्न पैदा होता है, पेड़ पौधे खुश होते हैं, मोर नाचते हैं, हर तरफ आनंद ही आनंद होता है। लेकिन कुछ लोग स्वार्थवश पेड़ों को काटते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बाधित करते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ 10 की दोहराई की शुरुआत करते हैं। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए, फिर पशु पक्षी आए और बाद में मानव आया। उसने घर बनाने के लिए वन काटने शुरू कर दिए। उसने अंधाधुंध पेड़ काट दिए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। कुछ दिनों तक बादल आकाश में आते रहे और बारिश होती रही। लेकिन जब बादलों को मानव की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने बरसना ही छोड़ दिया। मनुष्य खेती के लिए बादलों की प्रतीक्षा करता रहा, पर बादल नहीं आए। जब मौसम का अधिकतर समय बिना बारिश के निकल गया, तब मनुष्य की समझ में आया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, अर्थात उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने किसने? मानव ने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, पर बादल नहीं आए। पानी ना बरसने से पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था। मानव के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाना गाया। मानव ने मोरों से बादलों को प्रसन्न करने के लिए कहा। मोरों की आवाज तेज होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। बादल आवाज ना सुन पाए तो नाच देखकर तो खुश हो ही सकते हैं। कोयल और मोर दोनों ने मीठे स्वर में गाना शुरू कर दिया। बीता साल बिना पानी के, आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज्यादा। बीता साल बिना पानी के, आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज्यादा। वे मोरों का नाच देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। बारिश होने से नदी, तालाब और समुद्र सब लबालब हो गए। फसलें भी भरपूर हुई। मनुष्य ने
वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। मोर आज भी बादलों के लिए नाचते और गाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने प्रकृति प्रेम, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता, वृक्षों का महत्व और पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में सीखा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, धरती पर पहले कौन आया? उत्तर, धरती पर पहले पेड़ पौधे आए। ख, अधिकांश धरती पर क्या थे? उत्तर, अधिकांश धरती पर वन थे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, धरती पर पहले कौन आया? उत्तर, धरती पर पहले पेड़ पौधे आए। ख, अधिकांश धरती पर क्या थे? उत्तर, अधिकांश धरती पर वन थे। ग, बादलों को किससे बहुत प्रेम था? उत्तर, बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। घ, बादल गरजकर क्यों लौट गए? उत्तर, बादल गरजकर इसलिए लौट गए क्योंकि वहां पेड़ काटकर घर बनाए जा रहे थे। ग, बादलों को किससे बहुत प्रेम था? उत्तर, बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। घ, बादल गरजकर क्यों लौट गए? उत्तर, बादल गरजकर इसलिए लौट गए क्योंकि वहां पेड़ काटकर घर बनाए जा रहे थे। अण, मानव को अपनी गलती कब समझ में आई? उत्तर, मानव को अपनी गलती तब समझ में आई जब मौसम का अधिकांश समय बिना बरसे गुजर गया था। च, बादल कब आए और उनके आने पर क्या हुआ? उत्तर, बादल मोरों की आवाज सुनकर तथा धरती पर उनका नाच देखकर आए और उनके आने पर नदी तालाब सब भर गए। अण, मानव को अपनी गलती कब समझ में आई? उत्तर, मानव को अपनी गलती तब समझ में आई जब मौसम का अधिकांश समय बिना बरसे गुजर गया था। च, बादल कब आए और उनके आने पर क्या हुआ? उत्तर, बादल मोरों की आवाज सुनकर तथा धरती पर उनका नाच देखकर आए और उनके आने पर नदी तालाब सब भर गए। छ, मानव ने क्या निश्चय किया? उत्तर, मानव ने पेड़ों को न काटने का निश्चय किया। छ, मानव ने क्या निश्चय किया? निश्चय का अर्थ है तय। उत्तर, मानव ने पेड़ों को न काटने का निश्चय किया। नीचे दिए गए शब्दों के ऐसे वाक्य बनाए जिसमें इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ हो। क, बादल, काले काले बादल छा गए। ख, शेर, शेर दहाड़ते हैं। ग, आदमी, आदमी घूम रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के ऐसे वाक्य बनाए
जिसमें इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ हो। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। बादल, काले काले बादल छा गए। शेर, शेर दहाड़ते हैं। आदमी, आदमी घूम रहे हैं। घ, भालू, भालू जंगल में रहते हैं। अण, तालाब, तालाब में मछलियां तैर रही है। घ, भालू, भालू जंगल में रहते हैं। अण, तालाब, तालाब में मछलियां तैर रही है। सही कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे को, से, में, पर, ने। क, उस समय धरती पर वन थे। सही कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। कारक चिन्ह किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे आपको कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं, आपको उचित शब्द लगाकर, उचित कारक चिन्ह लगाकर उससे वाक्य पूरा करना है। जैसे को, से, में, पर, वे। क, उस समय धरती पर वन थे। ख, बादल आकाश से आते रहे और पानी बरसाते रहे। ग, बादल गुस्से में गरजे और लौट गए। घ, बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। अण, कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाया। वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। क, मानव ने घर बनाना शुरू की। शुद्ध वाक्य, मानव ने घर बनाना शुरू किया। ख, मनुष्यों ने पेड़ काटी। शुद्ध वाक्य, मनुष्यों ने पेड़ काटे। वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। क, मानव ने घर बनाना शुरू की। शुद्ध वाक्य है, मानव ने घर बनाना शुरू किया। ख, मनुष्यों ने पेड़ काटी। इसका शुद्ध वाक्य है, मनुष्यों ने पेड़ काटे। ग, सबने बादलों से प्रार्थना की। शुद्ध वाक्य है, सभी ने बादलों से प्रार्थना की। घ, मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। इसका शुद्ध वाक्य है, मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। ग, सबने बादलों से प्रार्थना की। इसका शुद्ध वाक्य है, सभी ने बादलों से प्रार्थना की। घ, मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। इसका शुद्ध वाक्य है, मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। अण, मोर का आवाज बादलों तक पहुंचा। इसका शुद्ध वाक्य है, मोर की आवाज बादलों तक पहुंची। अण, मोर का आवाज बादलों तक पहुंचा। इसका शुद्ध वाक्य है, मोर की आवाज बादलों तक पहुंची। गृह कार्य, कक्षा तीसरी, प्रदत्त कार्य।
अब मैं आपको पाठ 10 बादल आय से संबंधित व्याख्यान 3 में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। विषय हिंदी, उप विषय पाठ 10 बादल आय, नाम दिनांक। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। क, मनुष्य ने धरती पर आने के बाद सबसे पहले क्या किया? घर बनाया, खेत बनाया, खेती की या पेड़ लगाया? सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। क, मनुष्य ने धरती पर आने के बाद सबसे पहले क्या किया? घर बनाया, खेत बनाया, खेती की या पेड़ लगाया? ख, बादलों को सबसे अधिक प्रेम किससे होता है? सागरों से, नदियों से, पेड़ों से या मनुष्यों से? ख, बादलों को सबसे अधिक प्रेम, प्रेम का अर्थ है प्यार, किससे होता है? सागरों से, नदियों से, पेड़ों से या मनुष्यों से? प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क, आदमी ने पेड़ों को जरूरत से बहुत ज्यादा काटा। ख, पेड़ कटने से बादल प्रसन्न हुए। ग, पशु पक्षियों ने जल बरसाने के लिए बादलों से प्रार्थना की। घ, कोयल की आवाज से बादल नाराज हो गए। अण, मोर का नाच देखकर बादल खुश हो गए। इसमें से जौन से वाक्य सही है आपको उनके सामने टिक और जौन से वाक्य गलत है उनके सामने गलत का निशान लगाना है। आदमी ने पेड़ों को जरूरत से ज्यादा बहुत काटा, पेड़ कटने से बादल प्रसन्न हुए, पशु पक्षियों ने जल बरसाने के लिए बादलों से प्रार्थना की, कोयल की आवाज से बादल नाराज हो गए, मोर का नाच देखकर बादल खुश हो गए। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। क, डैश घर बनाना शुरू किया, वह या उसने? ख, कोयल से कहा डैश गाओ, तुम या मैं? ग, डैश घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, उसने या मैंने? घ, डैश पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं, वह या वे? इसमें से आपको जौन सा उचित शब्द लग रहा है आपको उनको चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, तालाब। ख, भालू। ग, बादल। घ, मोर। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनसे वाक्य बनाना है। कक्षा 3, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 10 बादल आए, पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। अब हम व्याख्यान 2 से संबंधित
गृह कार्य की जांच करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने अपना गृह कार्य कॉपी में लिख लिया होगा। गृह कार्य हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 10 बादल आए से संबंधित शब्द अर्थ कॉपी में लिखो। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ अधिकांश अधिकतर, हरकत शरारत, उत्साह जोश। अधिकांश अधिकतर, हरकत शरारत, उत्साह जोश। घ स्वभाव आदत, अण मेह वर्षा, च लबालब ऊपर तक भरा हुआ, स्वभाव आदत, मेह वर्षा, लबालब ऊपर तक भरा हुआ। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।